पता है, मैं कल गई थी सब्जी लेने के लिए। वहां पर मुझको गोभी खरीदनी थी। सब में गोभी ढूंढ ली, गोभी नहीं मिली। सब लोग ये बेच रहे थे, ये ग्रीन गोभी, ब्रोकली। अब मैं इसका क्या करूँ? तो मैंने सोचा इसको मैं मसालेदार गोभी बना के देखती हूँ क्या बनता। पता नहीं, पहली पहली बार बनाने जा रही हूँ मैं, और आलू तो जरूर डालूँ क्योंकि जब गोभी बनाने जा रही हूँ, प्याज भी ले लिया है, मसाला भी बनाने वाले हैं। चलिए देखते हैं कैसी बनती है। ये डाला मैंने ऑयल, इसमें डाली अपनी गोभी स्टाइल ब्रोकली, और करेंगे फ्राई थोड़ी देर के लिए। आज बन जा रहे हैं, अच्छी नहीं बनी तो ही खा लियो भाई, क्योंकि कभी बनाई नहीं है, पहली बार बना रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं। चलो करो फ्राई आलू गोभी स्टाइल में। गोभी तो फ्राई होने लगी है थोड़ी थोड़ी। ये अच्छी तरीके से इसको 5 मिनट तक हमने फ्राई कर लिया है। अब हम इसे कढ़ाई से निकाल लेते हैं, और कढ़ाई इसी कढ़ाई में बनाएंगे हम सब्जी। तो ये फ्राई हो चुकी है, इसको निकाल लेते हैं और साइड में रखते हैं। फिर करते हैं मसाला तैयार। अबे ये तो इंडियन सब्जी तो अंग्रेजी स्टाइल में बना रही है। ये इंडियन सब्जी नहीं है, अंग्रेजी सब्जी है, इसको ब्रोकली बोलते हैं। अब मैं तो अंग्रेजों को भी बना दूँ, ये तो फिर भी सब्जी है। देखते जाओ क्या फ्लेवर आने वाला है। ठीक है, चलो उधर बन रहा है हमारा प्याज, और इधर करते हैं हम मसाले की तैयारी। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे लहसुन। ओ माय गॉड, डालेंगे रेड मिर्च। अब रेड चिली तो थी नहीं, तो मेरी ग्रीन वाली रेड हो गई थी, मैंने उसी को डाल दिया। ये हमारे पास है काली मिर्च का पाउडर, एक ढक्कन, चटकेदार सब्जी बनने वाली है भाई। और इसमें डालेंगे हम जीरा पाउडर। ये जीरा डाल दिया, फ्लैश ऑन कर दिया। वाह 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 वाह, पहले कर देते तो थोड़ा सा ज़्यादा फोकस हो रहा था। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसमें डालेंगे धनिया, धनिया थोड़ी ज़्यादा डालेंगे। एक ढक्कन, दो ढक्कन, तीन ढक्कन, चार ढक्कन। कौन सा वाला है? अरे ये ढक्कन, ये ढक्कन, ये मेरी बोतल का ढक्कन है। इतने ज़्यादा फ्लेवर आने वाला है। और इसमें हम थोड़ा सा अदरक भी डालेंगे। प्याज को हमने कढ़ाई में डाल दिया था डायरेक्ट, इसीलिए हमने प्याज नहीं डाला इसमें। अब इसमें हम पानी डालेंगे और इसे मिक्सी में पीस लेंगे। तो देखते हैं, प्याज भुन रहा है, प्याज अच्छे से भुन रहा है। अभी अभी जब थोड़ा सा प्याज पिंक पिंक हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे हींग, क्योंकि हींग थोड़ा सा लेट डालने पर उसकी खुशबू काफ़ी देर तक रहती है। ये डाल दी मैंने हींग। प्याज तो भुन गया हमारा, अब हम इसमें मसाले नहीं डालेंगे भाई, हम इसमें आलू डालेंगे, क्योंकि हम इसको आलू को भी भूनेंगे। तो ये हमने डाल दिया आलू, और क्योंकि हम इंडियन स्टाइल में बना रहे हैं, तो जैसे कि हम अपने आलू गोभी में डाल देते हैं एक स्पेशल चीज़, अरे मटर। विंटर में तो हर सब्जी में मटर पड़ती है, आलू मटर में मटर, गाजर में गाजर, आलू में मटर, गोभी में मटर। तो इसी तरीके से इसमें भी मटर डाल दिया हमने। अब ये हमारा थोड़ी देर भुनेंगे बस। ओके, अब इसको हम 10 मिनट तक पकाएंगे अच्छे से भून भून कर, ताकि आलू अच्छे से गल जाए। जब आलू थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा क्यों, अच्छे से गल जाएगा जब ही डालेंगे इसमें मसाला, तो फ्लेवर बहुत अच्छा आने वाला है। तो इसको थोड़ा सा ढक देते हैं हम प्लेट। ये हमारा मसाला रेडी हो गया, जो मैंने पहले पीस आपको दिखाया था। अब हम इसमें थोड़ा सा मसाला और डालेंगे। इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी, 3 मिर्ची, ये घर की पीसी हुई मिर्ची है इसलिए मैं थोड़ी डाल रही हूँ, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट अपने सब्जी में डाल सकते हैं। मेरे में तो बहुत चढ़ जाएगी, सीटियाँ बाजेंगी सबकी। और धनिया तो क्योंकि हमने मसाले में पहले डाला था, इसलिए थोड़ा सा डालेंगे इसमें। और अब इसको अच्छे से मिक्स करके रख देंगे, जब तक आलू भून रहे हैं तब तक। दिखनी चाहिए काली वाली, आ गया। अभी ये भून रही है, अभी आलू गले नहीं है, तो इसको थोड़ा सा और भून लेते हैं। आलू लगभग लगभग आधे गल चुके हैं, मतलब आधे आधे वो गलते और भी गलेंगे, तो ज़्यादा ना गले, इसलिए अब मैं इसमें मसाला डाल दूँगी। और जो मसाला हमने पीस के रखा था वो वाला मसाला ये, और इसको भूनेंगे कम से कम मसाले का तेल अलग हो जाए तब तक भूनेंगे अच्छे से। और फिर डालेंगे हम इसमें ब्रोकली। मसाला भूनने को है और इसमें तेल निकलने को है, जैसे ही मसाला भून जाएगा इसमें डालेंगे हम क्या डालेंगे, ब्रोकली डालेंगे और पानी डालेंगे। अरे वाह, आलू मटर बन रहा है। अरे पागल, आलू मटर नहीं बन रहा, ब्रोकली बन रहा है, ब्रोकली आलू गोभी, लेकिन गोभी ग्रीन है बस। मसाला गया है भुन और उसने कढ़ाई छोड़ दी है। अब हम इसमें ब्रोकली डालेंगे, और ये हमने इसमें ब्रोकली डाल दी।
और अब हम इस पर डालेंगे पानी, क्योंकि भाई ब्रोकली को गोभी को पकने के लिए पानी की जरूरत होती है। इसमें डालेंगे हम पानी। ये कौन से टाइप का गोभी है? ये ग्रीन गोभी है, आज आपको यही खाना पड़ेगा। अब इसको थोड़ी देर पकने देते हैं, और क्योंकि मुझे थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी चाहिए इसलिए मैंने पानी कम डाला है। आप चाहो तो थोड़ा सा पानी ज़्यादा भी डाल सकते हो। और अब इसको पकने तक थोड़ा मतलब अब 8 से 10 मिनट इसको और पकाना है, और उसके बाद आपकी सब्जी रेडी। तो अब आती है बारी नमक, क्योंकि देखो नमक मैं सबसे लास्ट में इसलिए डालती हूँ ताकि वो सब्जियों के अंदर ना घुसे। और मैं वाइट नमक नहीं यूज करती, ब्लैक काला नमक यूज करती हूँ। काला नमक ज़्यादा बेटर रहता है अकॉर्डिंग टू ब्लैक के। तो आप लोग अपने टू टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लीजिए। और सबसे अंत में नमक डाला है मैंने, इसीलिए डाला है ताकि सब्जियों के अंदर नमक ना जाए। सब्जी रेडी हो चुकी है और अब इसे हम सर्व करते हैं पराठे के साथ। ये सब्जी रेडी हो गई है, इसे पराठे के साथ खाएंगे, और ये बहुत ही टेस्टी लग रही है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो चलो भाई वाइट गोभी की जगह ग्रीन गोभी ट्राई करते हैं। आई होप ये अच्छी बनी है, बहुत अच्छी बनी है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।